गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स विषय नागरिक, पाठ दो। पाठ का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसान कैसे खेती करते हैं, उनके पास कितना एकड़ ज़मीन है, वे कैसे बुआई कटाई करते हैं और उनको कितना अनाज प्राप्त होता है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। भारत गांवों का देश है, यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ लगभग 2.5 लाख से भी अधिक गांव है। यदि आप अपने आस पड़ोस में नज़र डालें तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे चाय नाश्ते की दुकान, कोई खेत में काम करते हुए मजदूर आदि। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती हैं या अलग हैं। गांव के कुछ परिवार बागवानी का काम करते हैं, कोई फल बेचने का काम करते हैं, कोई मछली पालन करते हैं और कोई मधुमक्खी का पालन करके अपना आजीविका चलाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कृषि कार्यों में लगे किसानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मध्यम किसान, दूसरा है सीमांत किसान, तीसरा है बड़ा किसान, चौथा है भूमिहीन किसान। तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यम किसान। मध्यम किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, वह साल में 2 फसलें उपजाता है, बरसात के समय धान और ठंड में गेहूं, चना और दलहन उपजाता है। ललन, बुआई, निराई, गुड़ाई के समय मजदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन वे कटनी के समय मजदूर की मदद लेते हैं और उस समय मजदूरी नहीं मिलने के कारण उस समय मजदूरी भी बढ़ जाती है। किसान को कम मजदूर से ही काम चलाना पड़ता है और ललन खेती के साथ मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाली आय से दैनिक कार्यों को पूरा करता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल को जल्दी बेच देता है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने से दोबारा कर्ज मिलने में परेशानी होती है। ललन के पास थोड़ी ज़मीन होती है, इतने में ही परिवार का गुजारा हो जाता है। ललन को किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। दवा कीटनाशक का प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी होती है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल डैश व डैश होती है तो क्या होगा, फसल घनी व अच्छी होती है। आगे हम लोग देखेंगे सीमांत किसान के बारे में। सीमांत किसान का नाम है कृपा शंकर। सीमांत किसान का नाम क्या है, कृपा शंकर। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक दवा खरीदने के लिए उसको उधार लेना
पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वे दो फसल उपजाते हैं। उधार को चुकाने के लिए फसल को जल्दी बेचना पड़ता है। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं करता है। कृपा शंकर जैसे छोटे किसान आसानी से उनको कर्ज नहीं मिल पाता है। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पूछा जाएगा सीमांत किसान बहुजन या डैश से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। इस कारण फसल कटते ही उससे बेचकर ब्याज समेत उसे कर्ज की रकम को लौटाना पड़ता है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं करेंगे तो और अधिक ब्याज बढ़ सकता है और उसे देने में संभव नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क लिख लीजिएगा, माध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में क्या अंतर है। माध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में क्या अंतर है।